उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है। मैं कैसे बताया कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ अपनी शानदार एक्टिंग और बेहतरीन डांस के लिए पहचानी जाती हैं। कैटरीना ने हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया है और खूब लोकप्रियता बटोरी है। कैटरीना की जितनी प्रोफेशनल लाइफ सुर्खियां बटोरती है, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ और ड्रेसिंग सेंस भी लोगों पर कहर ढाती नजर आती है। कैटरीना कैफ की ड्रेसिंग सेंस को लाखों लड़कियां फॉलो करती हैं, लेकिन कई बार इस शानदार ड्रेसिंग सेंस की वजह से कैटरीना कैफ को उप्स मोमेंट का शिकार भी होना पड़ता है। और दोस्तों, इसी दौरान एक्ट्रेस को बहुत ही अजीबोगरीब उप्स मोमेंट का सामना मीडिया के सामने करना ही पड़ा। एक्ट्रेस नजर आई थी साल 2019 में जी के अवार्ड के दौरान रेड कार्पेट पर, जहां एक्ट्रेस का अंदाज देख लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की। और अगर इनके लुक की बात करें तो इस दौरान कैटरीना कैफ ने न्यूड मेकअप किया हुआ था और बाल खुले रखे हुए थे। एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो एक्ट्रेस ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई थी और एक्ट्रेस का ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा बोल्ड और रिवीलिंग था। इस दौरान एक्ट्रेस अपने हैवी कर्वी क्लीवेजेस को फ्लॉन्ट करने के चक्कर में भूल गई कि उनके इनर वेयर साफ नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि उनकी स्टाइलिश ने मीडिया के सामने आते ही उनका कपड़ा ठीक करना शुरू कर दिया और ये मोमेंट उस वक्त कैटरीना कैफ के लिए बेहद शर्मनाक मोमेंट बन गया, जिसके बाद कैटरीना पीछे की ओर मुड़ी और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए पोज देती हुई नजर आई। और आपको बता दें, इस दौरान कैटरीना कैफ ने बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लेजर और पैंट पहना हुआ था। इस दौरान कैटरीना कैफ का ये लुक बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में भी रहा और ये मोमेंट सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो गया था। और आपको बता दें, एक्ट्रेस हमेशा अपने बोल्ड रिवीलिंग ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस फिल्म सूर्यवंशी में नजर आने वाली है, जिसके प्रमोशन के लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं और एक से बढ़कर एक ग्लैमरस लुक में नजर आ रही हैं। तो क्यों दोस्तों, आपको कैटरीना कैफ का ये लुक कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।